गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द काइनेमेटिक्स दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में देखा कि कैसे हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिवर बोट में मिनिमम टाइम क्वेश्चंस कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिवर बोट में मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिवर ने मिनिमम डिस्टेंस, बोट ने मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए बैंक क्रॉस कर जानी है, क्रॉस करने के लिए टाइम की वैल्यू कम लगनी चाहिए। तो कैसे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर, कैसे हम लोग इन चीज़ों के बारे में देख करके आंसर्स को भली भांति प्रॉपर आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, रिवर बोट प्रॉब्लम हो चुके थे हमारे, हम लोगों ने बेसिक जनरल इक्वेशन कर लिए थे कि जब दो पत्थर को फेंका जाएगा तो पत्थर को फेंकने के बाद में एग्जैक्टली कैसे हम लोग कोलाइड कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द टू स्टोन्स कैन कोलाइड, द टू एरोज कैन कोलाइड, द टू बलून्स कैन कोलाइड, वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन जस्ट सॉल्व इट बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट अ टेबल विल बी गिवन टू यू। इन द टेबल देर आर सिक्स पॉसिबल थिंग्स दैट यू हैव एंड आउट ऑफ द सिक्स पॉसिबल थिंग यू आर सपोज टू कैलकुलेट द टू एंड द फोर विल बी गिवन टू यू। सो इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट द फोर बेसिक थिंग्स यू आर डन विद दैट। आपको सिर्फ दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, यदि आप दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो तो यू आर डन एंड यू आर एट वेरी पार लेवल इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इक्वेशंस ऑफ फंडामेंटल्स। सो यहाँ तक हम लोगों की चर्चा हो गई थी, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जो हम लोग आज बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज विंड प्लेन प्रॉब्लम। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ सिमिलर एज रिवर बोट प्रॉब्लम। जब हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर लिखा था वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जब हम लोग लिख रहे थे वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, है ना, यही हमारे इक्वेशन थे। यहाँ पर भी फिर क्या था हमारे पास, पे छः चीज़ें हैं, छः में से आपको कितनी दी होगी, छः में से आपको चार दी होगी, दो निकालनी होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। विंड प्लेन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, जैसे वैसे ही है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड। यदि वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आप निकाल रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, इट इज सिमिलर केस। इसका मतलब जो वी पी डब्ल्यू है इट इज नथिंग बट वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द बोट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बोट, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द रिवर, मतलब इट इज सिमिलर इन ऑल द केसेस, कहीं डिफरेंस नहीं है। सो आई कैन से दैट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वी बी आर कैन बी रिपीटेड हियर। सारे के सवाल, जितने सारे सवाल हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर वापस रिपीट करके वी कैन ऑल्सो सॉल्व दैट आउट, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विंड प्लेन प्रॉब्लम में भी आपको वही चीज़ें देखनी है कि आपको छः पार्टिकल दिए होंगे, इंजन स्पीड के बारे में बोला होगा, पार्टिकल स्पीड के बारे में बोला होगा, तो जो जो आपको दिया होगा आपको वो निकालते आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए कि हाँ हम लोग विंड प्लेन प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सपोज मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ द इंजन, वेलोसिटी ऑफ द इंजन में बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे नहीं पता वेलोसिटी ऑफ इंजन का मतलब क्या है, आपको ऑलरेडी पता हो गया है ना। मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द विंड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द विंड कितना मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रैवल कर रही है कहाँ पर, ईस्ट, इट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मुझे बाकी कुछ भी नहीं पता है ना। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया कि सपोज ऐसा मेरे पास में एक रास्ता था, ऐसा एक रास्ता है स्क्वायर्ड है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, और हमारे जो ग्राफिकल जो कोऑर्डिनेट्स थे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नीचे वाला साउथ है ना, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, फाइंड टोटल टाइम, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द प्लेन so that it will complete the motion, मतलब वो इसी डिजायर्ड पाथ के ऊपर ही इसको करना है, और हर एक के जो सेगमेंट की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 10 किलोमीटर्स
है ना। अब आपको बोला कि टाइम बताओ कैसे होगा, सब कुछ दे रखा है आपके सामने, आप खुद से सोचो, खुद से लॉजिक लगाओ, अपनी स्क्रीन एक बार के लिए आप पॉज करके खुद से ट्राई करो इस बार आंसर निकालने का, और देखो आपको आंसर्स आते हैं क्या। और आई एम गारंटी यू दैट यू विल गेट योर आंसर्स। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द रिवर बोट प्रॉब्लम, आपको किसी भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और आई एम गारंटी यू दैट। सोचो क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। वेलोसिटी ऑफ इंजन दी है, वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज गिवन एज ईस्ट। अच्छा, अब मुझे कैसे चलाना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आ चुका था कि ऑब्वियसली मुझे ए से बी जाते वक्त ऐसे चलाना है, बी से सी जाते वक्त ऊपर चलाना है, तो मुझे इंजन के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी दे दी उन लोगों ने। ये अलग तरीके से दिए, बट जरूर दिए उनको उन्होंने, है ना। थोड़ा बड़ा निकाल दो कि डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ताकि मुझे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको फोकस करने में दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। मान लो कि ऐसे पूरा मोशन था, द लेंथ ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 10 किलोमीटर। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इन वेलोसिटी ऑफ द विंड किस तरफ है। तो मुझे दिख गया था कि मेरा वेलोसिटी ऑफ द विंड वाज गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड विच इज 3 किलोमीटर पर आवर। मेरा वेलोसिटी ऑफ द विंड जा रहा था इस तरफ, विच इज व्हाट, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं मानता हूँ कि इसका टाइम लगेगा T1, इसको टाइम लगेगा T2, इसको टाइम लगेगा T3, इसको टाइम लगेगा T4। यहाँ पे मेरा प्लेन, ऐसे ऐसे मैं प्लेन बना लेता हूँ, टुडुंग 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 टुंग 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 टुंग, ये मेरा प्लेन है एक, इसको चलना है, जिसको इसी पाथ पे चलना है, इसको पाथ से कभी डेविएट नहीं होना। अच्छा, अभी एक बात बताओ कि दोनों को सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, है ना, दोनों को क्या चलना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में। तो यदि मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द विंड। सो वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ इंजन, मैंने पहले भी कहा था कि वेलोसिटी ऑफ इंजन जब भी दिया जाए तो वो क्या दे रहा है आपको, VPW देगा। सो 5 + 3 तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। टाइम, टाइम बराबर क्या निकालो, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना आया, 10 किलोमीटर बाय 8, मतलब कितना लगा, 5/4 आवर। तो मुझे टाइम T1 की वैल्यू मिल गई। T1 निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, T1 निकालने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई जस्ट होप सो। एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव बीन नोन, इट इज़ फाइन। अच्छा, अब मुझे पॉइंट बी से ना पॉइंट सी पे जाना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है। अब यदि पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है, तो सोचो कि आपका जो हवा है आपको वो उधर लेके जाएगी, आपकी हवा आपको उधर लेके जाएगी, तो मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, आई हैव टू ट्रैवल लाइक दिस। मुझे एक अलग एंगल पे चलना पड़ेगा, ताकि जो मेरी हवा मुझे इधर लेके जाए तो मैं मेरे पाथ से डेविएट ना हो जाऊं। तो मुझे कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, दिस एंगल वुड बी थीटा। तो ये मेरे लिए क्या आ गया, VPW, और ये मेरे लिए क्या हो गया, VW। तो VPW की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी, 3। तो 3/5, मतलब एंगल कितना हो जाएगा मेरे लिए, 37 डिग्री। इफ 37 डिग्री हो जाएगा, तो 5 का मैं यदि कंपोनेंट ड्राइव कर लूँ, तो 5 का कंपोनेंट कितना होगा, 5 इधर कितना जाएगा, 5 cos of 37। सो दिस इज 5 × 4/5, एक कट गया तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा जो स्पीड रहेगा बी से सी के लिए, वो कितना रहेगा, 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने किसको रिजोल्व किया, मैंने VPW को रिजोल्व किया 2 कंपोनेंट्स में, जहां पे जाना चाहता है वो VPW, जहां पर वो जा रहा है वो VP, है ना। तो 4 हो गया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4, मतलब 5/2 आवर। तो T2 की वैल्यू मिल गई 5/2 आवर। अब मैं जा रहा था ऐसे, इस तरफ से वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इधर है, ये आपका VPW इधर है, दोनों आपस में निगेटिव है। यदि दोनों आपस में निगेटिव है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की मिला करके, 2 किलोमीटर पर आवर। यदि 2 किलोमीटर पर आवर, 10/2, तो कितना आ गया यहाँ पर, T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 घंटे लगेंगे। सो यू विल रिक्वायर 5 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अरे बाप रे, अब देखो, अब मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, थिंक अबाउट पॉइंट डी एंड पॉइंट ए। आपको उसी पाथ पे वापस से अपने मोशन को दोहराना है, आपको कहीं पर भी मोशन में चेंज नहीं लाना। यू आर सपोज टू ट्रैवल ऑन द सेम पाथ अगेन एंड अगेन। तो वॉट वी शुड डू, वी शुड रोटेट द प्लेन एट दिस एंगल, सो VPW विल गो एट दिस एंगल ऑफ थीटा, सो दैट द प्लेन विल ब्रिंग इट बैक, सो इट विल रो अक्रॉस द सेम थिंग। तो एंगल अभी भी मेरा कितना, एंगल अभी भी मेरा कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। बट 37 डिग्री इज नॉट द एंगल विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो, हाँ नहीं है,
37 डिग्री, देखो वापस बता दो कैसे, इधर जा रहा था वी डब्ल्यू और ये जा रहा है आपका वी बी वी पी डब्ल्यू, तो ये वर्टिकल एंगल 37 था बट टोटल एंगल कितना हो जाएगा 127, याद रखना बातें वाली। यहाँ पर ये वाला एंगल 37 होगा, यहाँ पे इस तरफ जा रहा था आपका वेलोसिटी ऑफ द विंड, तो पूरा एंगल जब आप लोग गिनोगे इट विल बी 270 माइनस 37। एंगल हमेशा कहाँ से गिनना है हमको, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। वेलोसिटी फिर से कितना आएगा, 37 को रिजॉल्व करो तो 4 ही आने वाला है, तो T4 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 5/2 आवर। अब देख लो टोटल टाइम कितना लगा। क्वेश्चन यार बहुत सिंपल सवाल था, बट मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने सिंपल ही रखा उसको। अभी भी हमको सब कुछ उन्होंने दे रखा है, हमको कैलकुलेट ही करना है, कैलकुलेशन वाइज देखा जाए। तो पहला टाइम कितना लगा, पहला टाइम लगा 5/4, दूसरा टाइम लगा 5/2, तीसरा टाइम लगा 5 घंटे, तीसरा टाइम फिर से लगा 5/2। अच्छा ये 5/2 के जो मैं कंबाइन कर लूँ तो ये 5 और 5 10 10 प्लस 5/4 दैट इज 40 प्लस 5 दैट इज 45/4 आवर, इतना टोटल टाइम लगेगा टू कंप्लीट वन रोटेशन अलोंग द ट्रैक। तो जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए थे, किसके, अच्छा 40/5 मतलब कितना 11.5 है ना। तो जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं ऑफ द रिवर बोट प्रॉब्लम, आई कैन ऑल मेक द सेम क्वेश्चन अगेन, कि मैं दो एयरपोर्ट के बीच की डिस्टेंस दे दूँ, पूछो बताओ ये वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी वो, तो सेम सवाल वापस हो जाएंगे अपने। बट क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर अगेन हमको कहाँ पर खेलना पड़ेगा, हमको फिर से वहीं सोचना पड़ेगा कि यार क्या करूँ। चार चीज़ें हैं, दो चीज़ें निकाल लो, खेल ख़त्म करो। हमारा खेल तो अभी वहीं चल रहा है ना भैया, कि चार चीज़ें हमको दे रखी है, हमको दो चीज़ें निकालनी है, तो हम दो चीज़ें निकाल पाए तो हमारा खेल कैसा होगा, खेल खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, लिख लो पूरा। हम लोग अलग सेगमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, आज हमको काइनेमेटिक्स इन प्लेन पूरा खत्म करना है। वी आर सपोज टू फिनिश इट ऑफ एंड वी विल डू इट टुडे विद लीनियंसी, बहुत आराम से हम लोग बढ़ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है हमको। जहाँ पर नहीं समझेगा वहाँ पर पॉइंट नोट करके रखना, वी विल डिस्कस दैट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो एंड वी विल डिस्कस दैट अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। Either whenever I get time, whenever I get the basic understanding, I will try to give you the answers that you require. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। ओके सर, अब चलते हैं। Approach questions की तरफ। Approach questions भी कुछ सिमिलर ही हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सोचते हैं, चलो देखो। ऐसा एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल 60 डिग्री। यहां पर हमारे पास में एक बालक है, बालक दिया है। यहां पर हमारे पास में एक सुंदर कन्या दे रखी है, है ना। बालक हो गया, सुंदर कन्या होगी, और हमारे पास में यहां पर हमारे प्रशांत सर है। सर को बीच में लेना जरूरी है, सर को भूल जाओगे ना तो तुम लोग, तो सर को भूलने दूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। ठीक है, अपने पास में तीन चीजें हैं, पालक है, सुंदर कन्या है, प्रशांत सर है। अरे यार गड़बड़ हो जाएगी, नहीं प्रशांत सर मतलब फालतू लफड़ा हो जाएगा इधर, दो क्योंकि हमको लड़की को प्रशांत सर के भगाना पड़ेगा। मान लो अपना कोई एक पिंटा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, सुनना मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। बालक सुंदर कन्या की तरफ भाग रहा है, सुंदर कन्या पिंटा की तरफ भाग रही है, पिंटा भाग रहा है बालक की तरफ, बालक भाग रहा है सुंदर कन्या की तरफ, सुंदर कन्या भाग रही है पिंटा की तरफ, पिंटा भाग रहा है बालक की तरफ, बालक भाग रहा है सुंदर कन्या की तरफ, ये चलते जा रहा है। तो सवाल तो उन्होंने सिंपल पूछा कि बताओ कहाँ पर सब लोग मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे ये हमको निकालना है। लेंथ एल दे रखी है। अरे यार कौन सा सवाल है फालतू, कहाँ पर मिलेंगे, कहीं भी मिल लो, क्या फर्क पड़ा हमको, देखो कैसे मिल लेंगे। वो मिलाना तो है उनको, हमको सुंदर कन्या बालक है हमारे बेचारे बालक को तो दिख मिलाना पड़ेगा। ये हमारा कौन था, ये हमारा था बालक, ये हमारा सुंदर कन्या। अरे बालक की जगह बंटा ले लो क्या, जाने दो अभी बंटा, और होगा तो यार कोई है तो नहीं ना, बता देना भाई एक बार मैसेज करके, कोई होगा तो नहीं तो फालतू केसेस कर देगा मेरे ऊपर, ये बंटे बंटा कर देता दिन भर। ठीक है, अब क्या बोला, देखो बालक जा रही है सुंदर कन्या की तरफ, सुंदर कन्या जा रहा है पिंटा की तरफ, पिंटा जा रहा है बालक की तरफ। मान लो कि सुंदर कन्या यहाँ बड़ी तो बालक ने अपनी मुंडी दौड़ाई सुंदर कन्या की तरफ डायरेक्ट, दिस इज लोकेशन ऑफ सुंदर कन्या। सुंदर कन्या यहाँ बड़ी, अपना पिंटा यहाँ आया, तो सुंदर कन्या ने डायरेक्शन दौड़ाई पिंटा की तरफ डायरेक्ट। उतनी देर में बालक भाई साहब भागते भागते यहाँ आ गए, तो पिंटा दौड़ा बालक के पास,
उतनी देर में सुंदर कन्या यहाँ पहुँच गई तो सुंदर बालक दौड़ा सुंदर कन्या के पास, पिंटे हमारा यहाँ आया तो सुंदर कन्या दौड़ी बालक के पिंटे के पास, और बालक हमारा यहाँ आया तो पिंटे दौड़ा बालक के पास, उतनी देर में सुंदर कन्या यहाँ आई तो बालक दौड़ा सुंदर कन्या के पास, पिंटे यहाँ पर आया तो कन्या यहाँ दौड़ी और ये इधर दौड़े, फिर अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ दौड़ी तो ये फिर यहाँ आ गया तो ये इसको यहाँ दौड़ेगा, ये इधर दौड़ी और ये इधर, फिर से कहाँ पर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ऐसे करते 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 कहाँ पर मिल रहा है करके, ये ट्रायंगल के सेंटर पे मिल रहा है। यदि आप पाथ देखोगे ना, बालक का पाथ देखोगे तो बालक का पाथ ये है, यहाँ से निकला बालक ऐसे जाके मिलेगा, देखो ये पाथ हुआ बालक का, सुंदरगन का पाथ देखो ऐसा आएगा, ये पाथ है सुंदरगन का घूमते भाई मस्त घूमते घूमते आ रही, दिख रहा है आपको ऐसे घूमते घूमते आएगी। पेंटा कैसा है बेचारा, पेंटा भी गोल घूम के आया, तो कहाँ पर मिलने वाले हैं, दे आर ऑल गोन मीट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर ही आकर के मिलेंगे, तो हमको समझ में आ गया। बट कितने वेलोसिटी से मिलेंगे बताना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, तो क्वेश्चन में याद है ना कहाँ पर मिलेंगे, बट इसमें क्या दिया होगा, दे आर ऑलवेज रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ ही भाग रहे हैं, दे आर ऑलवेज रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एंड इफ दे आर रनिंग ऑलवेज टूवर्ड्स ईच अदर, तो हमको समझ में आना चाहिए था कि कैसे क्वेश्चन होंगे। अब मुझे वो तो समझ में आया कहाँ पर मिलेंगे, तो सेंटर पर मिलेंगे, कितने वेलोसिटी से मिलेंगे ये समझा दो, कैसे निकालना है हमको अभी, कहाँ पर मिलेंगे आपको मैंने इसका पाथ भी बता दिया। कई बार एडवांस में पूछते हैं कि बताओ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पिंटिया, बहुत मस्त सवाल है, सवाल तो खत्म मेरे पास होंगे भी नहीं, आपके पास खत्म नहीं होंगे, बट हमारे पास तो टाइम नहीं है उतने, हमको जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ आपको उतने, तो मैं करा देता क्वेश्चन आपको। ये बालक की वेलोसिटी किधर थी, इस तरफ, कितनी वी लेंथ एल कवर करने के लिए, ये जो सुंदर कन्या थी इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर एट एन एंगल थीटा, बराबर। यदि मैं वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या को रिजॉल्व करूँ दो कंपोनेंट में, तो ये कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, v sin थीटा। अब एक बात बताओ, ये लेंथ l कवर करने के लिए v भी रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा भी रिस्पॉन्सिबल है, इफ लेंथ l कवर करने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे कि द रिलेटिव वेलोसिटी इट इज v प्लस v cos थीटा। अब एंगल 60 था यहाँ पर, ये तो एंगल हमने बोला था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो मेरे पास कितना आया, v अपॉन v बाय 2, तो कितना आ गया, 3v/2। ये डिस्टेंस में मानता हूँ ए मान लेता हूँ, बिकॉज बहुत सारी एच सी वर्मा में भी इसको ए दिया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में ए लिखा हुआ है, सो 3v/2। अभी टाइम निकालना कितने देर बाद मिलेंगे, हमने सवाल क्या पूछा, कहाँ पर मिलेंगे और कितनी देर बाद मिलेंगे, तो कितनी देर बाद मिलेंगे मतलब टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस की वैल्यू a, वेलोसिटी की वैल्यू 3v/2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2a/3v, एंड दैट इज द आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम। कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, आंसर निकालना है आपको। बट जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा याद रखना कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल मीट एट द सेंटर, वो कहीं और पर नहीं मिलने वाले, तो वो हमेशा कहाँ पर मिलेंगे, वो सेंटर पर ही मिलेंगे, है ना। समझ में आया सभी को कि कैसे क्वेश्चन निकालने हैं। चलो आ जाओ एक और सवाल देखते हैं, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बहुत और बढ़ जाए हमारे पास में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके सब कुछ ये लिख लिया होगा, एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड इट कि हाउ एग्जैक्टली आई एम गोना यूज इट इन द फ्यूचर कमिंग, दैट वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर्स इजीली। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो एक सिंपल सवाल दे दो, बोले कॉन्फिडेंस बूस्टर, ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, ये लेंथ ए, ये पार्टिकल सी, ये पार्टिकल डी, फिर से वही ऑलवेज रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो पहला कहां मिलने वाले हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूं कि कहां मिलेंगे, ये सेंटर पे मिलेंगे, कोई टेंशन की मतलब ही नहीं है कुछ। अच्छा भाई साहब, अब देखो ए और बी के बीच में, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, बी की वेलोसिटी ऊपर, ए की वेलोसिटी इस तरफ, अच्छा B का कोई कंपोनेंट इसके अलॉन्ग पे आ रहा है क्या, A को कवर करने के लिए B का कोई कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला है क्या, नहीं, बिकॉज B इंक्लाइंट है ही नहीं, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, टाइम इज डिफाइंड एज A बाई V, खत्म आंसर।
रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, पर रिलेटिव वेलोसिटी कब निकालोगे जब बी का कोई कंपोनेंट वहां पर आ रहा होगा। अरे बी का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है तो बी उसको हेल्प करेगा नहीं लेंथ कवर करने के लिए, तो ए को खुद को ही लेंथ कवर करनी है। यदि ए को खुद को लेंथ कवर करनी तो आंसर निकल गया, है ना, बहुत सिंपल सवाल है। तो देयर इज योर आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कंसेप्चुअल और थोड़ी सी हमारे पास में क्लैरिटी बढ़ जाए, मजा आएगा समझने में आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। थोड़ा सा आर्थ डाउट समान समझ जाए, संभाल दो आप लोग। ये पार्टिकल नंबर वन, ये पार्टिकल नंबर टू, ये पार्टिकल नंबर थ्री, ये पार्टिकल नंबर फोर, ये पार्टिकल नंबर पाँच, ये पार्टिकल नंबर सिक्स, सारे के सारे भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ विथ वेलोसिटी वी 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 वी। कहाँ मिलेंगे? सेंटर पे। खत्म, छोड़ दो, सोचो मत कहाँ मिलेंगे। अब देखो वेलोसिटी, लेंथ एल मान लेते इस बार हम लोग, है ना। अब देखो कैसे करना पड़ेगा, ये पार्टिकल नंबर टू और ये पार्टिकल नंबर थ्री, पार्टिकल नंबर टू की वेलोसिटी इस तरफ और थ्री की वेलोसिटी इस तरफ, तो इनमें जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल जो होता है ये कितना होता है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। पहला मैं सवाल पूछूं कि वेक्टर्स के बीच में आप लोग एंगल कौन सा गिनते हो, एंगल ये वाला 120 लोगे 60 लोगे, तो एंगल हमें 60 लेना है आपको। क्यों? बिकॉज यदि आप उस पॉइंट पे फोकस करोगे तो इस पॉइंट पे देखो ये वाला वेलोसिटी अंदर आ रहा है, ये वेलोसिटी बाहर जा रहा है, तो हम लोग कभी भी कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग साइड्स पे एंगल नहीं गिनते। हम लोग एंगल कहाँ पे गिनते हैं? जब दोनों के दोनों कैसे हो जाए, डाइवर्जिंग हो जाए। अच्छा, इस वी को रिजॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आ गया v cos 60 और ऊपर की तरफ चले गया v sin 60। क्या l को कवर करने के लिए दो वेलोसिटी आ गई, v भी आ गई और v cos 60 भी आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो v रिलेटिव में क्या लिख दूंगा, v माइनस v cos 60 मतलब v माइनस v बाय 2 मतलब कितना, सिंपली गिवन एज v बाय 2। सो मेरे लिए जो टाइम आएगा इट इज l डिवाइडेड बाय v बाय 2, तो t की वैल्यू आ गई 2l बाय v। इतने टाइम बाद में सब लोग मिलना शुरू होंगे, इतने टाइम बाद में सब लोग एक साथ में मिलेंगे, कोई घाई गड़बड़ नहीं है आपको समझने के लिए, कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द पार्टिकल मीट एट द सेम पॉइंट, देर इज नो डिफरेंस इन दम, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दम, एंड दिस इज ऑल वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस अप्रोच क्वेश्चन। The last segment of the chapter, the last segment of the curriculum that we have is nothing but we gonna call as marker भी अपना दम तोड़ते हुए खत्म होते बेचारे, इंक खत्म हो गई है, इंगला नहीं पड़ेगी करके आज तो, ये कोरोना समझ में नहीं आ रहा कब खत्म होगा। आई जस्ट होप कि आपका कॉलेज जल्दी नॉर्मली शुरू हो जाए, सब लोगों को स्कूल कॉलेज जाने का मौका मिले, ऐसे टेंशन भरे माहौल में ऑनलाइन डाटा पैक खत्म करके मतलब नहीं है, ऐसे बोर्ड को या कैमरे को पढ़ा के मतलब नहीं है, बट क्या करूँ, पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है, कंडीशंस ऐसी है, पढ़ना पड़ रहा है। चलो, वेलोसिटी अम्ब्रेला प्रॉब्लम या फिर वेलोसिटी मैन प्रॉब्लम, कई बुक में वेलोसिटी मैन होगा तो मैन लिख लो, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। देखो velocity of the rain with sorry velocity of the man with respect to rain vmr, vmr का मतलब क्या हो गया, velocity of man with respect to rain, क्या लिखूं, vmr is equals to vm minus vr, that is velocity of the man minus velocity of the rain, तो vr क्या हो जाएगा, velocity of the rain, vm क्या हो जाएगा, velocity of the man, and this is nothing but your relative velocity. तो अगेन तुम्हारे पास में दिमाग चमक चुका है कि सर कुछ नहीं करना, छह चीजें हैं, चार दी होगी, दो निकालनी पड़ेगी। अच्छा देखो, समझा दो कैसे, ये जा रहा है velocity of the man, the rain is coming down like this, बारिश ऐसे चल रही है, इंसान भाग रहा है, उसके लिए vr की वैल्यू ये है एट एन सर्टन एंगल थीटा, कुछ थीटा एंगल पे वो आ रहा है। अच्छा, तो ये जो आप ये जो पानी गिर रहा है, ये पानी क्या हुआ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, ये ऐसे होगा। तो यदि मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन बराबर क्या, वेलोसिटी ऑफ द मैन बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द रेन, उल्टा करना पड़ेगा। सो डायरेक्शन यदि हम लोग उल्टी कर लें तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस वी एम, ये निकल गया तुम्हारा वी एम आर, तो आपका जो नेट निकलेगा वो यहाँ निकलेगा, मतलब बारिश ऐसे गिरने वाली है, और यदि बारिश ऐसे गिरेगी तो छाता ऐसे थोड़ी पकड़ूंगा मैं, छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा। सो इतना याद रखना कि रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में नेट वेलोसिटी के अपोजिट में आपको छाते को होल्ड करना है,
दैट इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द वेलोसिटी ऑफ द रेन जहां पर भी निकलेगा उसी के अपोजिट में ही आपको क्या करना होगा, उसी के अपोजिट में आपको छाते को पकड़ना पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम. कोई डिफरेंस नहीं है. आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. 6 चीजें आपको दी होगी, 2 चीजें आपको निकालने दी जाएगी एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स. सो गाइज, हियर वी कंक्लूड द कंप्लीट चैप्टर. हम लोगों का काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन कंप्लीट हो चुका है. वी आर कंप्लीटली डन विथ ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ दैट. हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम कि जब दो पार्टिकल 2D में मूव करेगा तब कैसे यूज करना है. फिर प्रोजेक्टाइल मोशन देखा हम लोगों ने, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन. फिर हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी की बात की, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन. फिर हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखा कि हाउ एग्जैक्टली वी गोना यूज रिलेटिव वेलोसिटी टू फाइंड आउट मिनिमम टाइम क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस. 4 बेसिक सेगमेंट्स थे. कौन से? रेन अम्ब्रेला, रिवर बोट, विंड प्लेन प्रॉब्लम और मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच. सबका बेसिक कंसेप्ट क्या था? 2 वेक्टर्स होंगे. 2 वेक्टर्स मतलब पूरे 6 चीज़ें आपको दे रखी होगी. 3 वेक्टर्स होंगे. 3 वेक्टर का मतलब आपको 6 चीज़ें दे रखी होगी और उन 6 चीज़ों में से आपको 4 चीज़ें निकालनी पड़ेगी. तो 4 चीज़ें दी होगी, आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू, दिस इज ऑल वी हैव बीन यूजिंग टिल नाउ. बट रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में एक बात याद रखना कि आपका जो नेट वेलोसिटी निकलेगा उसको आपको अपोजिट में ही आपका छाता आपको पकड़ना पड़ेगा ताकि आप गीले ना हो. सो हियर वी कंक्लूड द काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन. वी आर डन विद दैट. वी आर कंप्लीटली कवर्ड विद दैट. सो जस्ट डू ट्राई टू प्रैक्टिस इट. जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा होगा. बट यू विल गेट सम गुड मार्क्स एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल. फाइन. सो वी विल मीट यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट चैप्टर विद द नेक्स्ट कंटेंट. तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि. ओके.